तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छा ही होंगे। आज हम आए हैं एक गांव, गोपालगंज में ही एक गांव है जहां पे एक तालाब है। तालाब मतलब एक नहीं, चार पांच है तालाब है, और उसमें न्यू ही बत्तख जो पाला जा रहा है। बच्चा लगभग 4 महीने हुआ, 4 साढ़े 4 महीने, और ला करके डाला गया है। और ये जो ब्रीड है वो रनर का ब्रीड है, और 4 महीने में इनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो गया है। और एक दो जो है बत्तख है अंडे पे भी आ गया है, लगभग 300 के करीब में इसमें बत्तख है। तो आइए ओनर से जानते हैं और क्या इसका रेट रहा और कैसे इसकी पालन कर रहे हैं, क्या इसका डाइट दाना दे रहे हैं, बात करते हैं। उसके पहले बोलना चाहूँगा कि अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन ऑल जरूर कीजिए, ताकि और भी हम आपके लिए फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो लेकर के आते रहें। आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इनको दाना दिया गया है और कैसे ये पूरा लूट मचाए हुए हैं दाने खाने के लिए। और कुछ बत्तख जो है मेरे घर से बाहर नहीं आ रहे हैं, लेकिन देखिए अभी सब आ गया है। बोरा में बिछा करके इनको दाना दे दिया गया है और कैसे लूट। और इनके पास कुछ मुर्गे भी हैं, 3 मुर्गियाँ हैं, 2 मुर्गे हैं जो काफ़ी वेट आप देख सकते हैं, काफ़ी शानदार, वो भी इनमें दाना खा रहे हैं। देखिए ये लेयर फीड ही खिला रहे हैं। मैं ज़्यादा पास नहीं जाऊँगा वरना ये भागने लग रहे हैं। इनको खाने देते हैं और दूर से ही रिकॉर्डिंग करते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा लूट मचाए हुए हैं। कुछ तो अभी भी पानी में है जो बाहर नहीं आ रहे हैं। और देखिए शानदार से कैसे जो खा लिए, जिनका ख़त्म भी हो गया, इतना जल्दी खाते हैं, पूरा खा करके निकल भी जाते हैं। ये देखिए पूरी लड़ाई कर रहे हैं खाने के लिए। देखिए तो क्या हाल है सर? बढ़िया, बहुत अच्छा। थे ये बताइए कि जो भी कितने दिन का हो गया बच्चा लगभग लाए हुए? कुछ 4 या 4.5 महीने। 4 या 4.5 महीना जी। तो बात किया जाए जैसे कि कौन सा ये रनर ब्रीड है, आप बता रहे थे, तो 4.5 महीना लगभग क्या रेट में लाए थे इसका? इसको यही कोई 40 रुपये पीस। 40 रुपये पर पीस के हिसाब से लाए थे। उसके बाद बात किया जाए लगभग इनको खाने में भी क्या दिया जा रहा है? खाने में अभी दाना दिया जाता है। दाना दिया जाता है। लेयर फीड। लेयर फीड अभी दिया जाता है। खा लेते हैं आराम से। कोई दिक्कत नहीं होता है? नहीं। चलिए तो कितने दिन बाद ये अंडे पे आ जाते हैं? 4.5 महीने के बाद। 4.5 महीने के बाद मतलब अभी ये अंडे पे आएंगे। अभी कितना पीस लगभग आपके पास है? अभी तो 300 पीस है। 300 पीस है, जिसमें से मेल कितना परसेंट होगा इसमें? मेल 30%। 30% अभी मेल है, बाकी 70% आपका फीमेल है। फीमेल है। तो लगभग मैं आपका 70% फीमेल है, तो इसके बाद से सब अंडे पे आ जाएंगे। तो आराम से मतलब अंडा भी देंगे। क्या रेट इनका लगभग अंडा सेल होता है कुछ जानकारी? कुछ 10 रुपीज के आसपास। 10 रुपए पीस होलसेल में? होलसेल में। अच्छा, हैचरी के लिए भेज सकते हैं। अच्छा एक बात किया जाए, अपने तरफ तो इसका मतलब अवेलेबल नहीं है इसका, तो कहाँ से मंगवाते हैं इस ब्रीड? ये जैसे मैं इसका हैचरी जो होता है हाजीपुर में भी एक है। अच्छा, हाजीपुर में बहुत जगह पे है। अच्छा अच्छा, तो वहीं से हम लोग लाते हैं। वहीं से मतलब मंगवाए थे। कितना पीस मंगवाए थे आप शुरू में? यही कोई कुछ 500 पीस। 500 पीस मंगवाए थे, जिसमें से अभी 300 है, तो लगभग 200 पीस क्या हुआ? सेल हो गया। सेल हो गया। वो मेल था या फीमेल था? मेल था। उसमें से कुछ 30-30 को डेथ हुआ था। अच्छा, डेट कर दे, मोर्टेलिटी हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, वो क्या शुरू में ही हो गया? नहीं, कुछ दिन के बाद। कुछ दिन के बाद। अच्छा अच्छा, जैसे मैं थोड़ा सा अपने, अच्छा अपने कुछ गलती के कारण से वो मतलब उसका मोर्टेलिटी हो गया। चलिए ठीक है। और उसके बाद से बात किया जाए लगभग क्या रेट हुआ सेल इनका मेल जो हुआ? वही कुछ 200 रुपये पीस। 200 रुपये पर पीस के हिसाब से सेल हो गया 200 आराम से। कितना दिन पहले लगभग हुआ था? यही कुछ 10 या 15 दिन पहले। अच्छा, तो बाकी सब ये देखा जाए तालाब सब आप ही का है? हाँ। अच्छा, तो अभी इसका स्टार्टिंग ही हुआ है? हाँ, स्टार्टिंग हुआ है। अच्छा, इसका जीवन अवधि जो होता है मतलब जीवन काल में कितना अंडा देती है अपना? जीवन काल में 300+ अंडा देता है। 300+। हाँ, 300+। 300+ अंडा देगी। हाँ। अच्छा अच्छा, तो कितना लगभग टाइम कितना होता है, जैसे कि 4 महीने 4.5 महीने इसको तैयार होने में लग जाता है, उसके बाद से कितना महीने में मतलब 300+? जैसे 4 महीने में आपका जो ये है वो तैयार हो जाएगा जी। उसके बाद 15 या 20 दिन के बाद अंडा में बनना। अच्छा, शुरू मतलब इनके अंदर अंडाणु बनना चालू हो जाता है। अच्छा अच्छा, अंडाणु बनना चालू हो जाएगा। उसके बाद या 10 या 15 दिन के बाद अंडा देने लगेगा लोग। 10 या 15 दिन के बाद अंडा देने लगेगा। तो ये जो 300+ अंडा देती है कितने दिनों के अंदर मतलब एक टाइम होता है? यही कुछ 9 या 10 महीने। 9-10 महीने के अंदर मतलब 300 अंडा प्लस ये देगी। तो आपके पास अभी लगभग मेरे ख्याल से 250 फीमेल है। हाँ। और 50 तो मेल है, तो 250 फीमेल से आपका 250 लगभग डेली का अंडा का भी प्रोडक्शन आराम से होगा। हाँ। तो ये कहाँ से, हेचरी में या होलसेल में दिया जाएगा? हाँ, चलिए बढ़िया है, उससे भी बढ़िया मतलब 2500 लगभग अंडे का भी इनकम आएगा। आएगा 10 रुपए के कम से कम रेट में देखा जाए तो इसका तो ज्यादा ही सेल होता है। अभी दुकानों में 7-8 रुपए मुर्गियों का है, लेयर जो फॉर्म का मुर्गिया है उसका, तो इसका तो महंगा जाएगा। अगर खुला में बेचते हैं तो 7-8 रुपया 17-18 रुपया
और ये थी अगर जैसे मैं लोकल में अगर बेचा जाएगा ना जी, तो 16-17-15 इस सब के आसपास में सेल होगा। अच्छा अच्छा, वही होलसेल में आपका। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद से मतलब ये तालाब में अभी मछलियाँ भी है? हाँ मछली भी है। मछली है तो अभी बड़ी बड़ी मछली है? हाँ, बड़ी में। अच्छा, यहीं एक या दो के आसपास में, एक मतलब एक डेढ़ किलो दो किलो ऐसे ही मछली है, क्योंकि छोटी मछलियों को ये खा जाता है। खा जाता है। अच्छा, अब जैसे मैं कोई भी छोटा भी मछली होता है या उनका भी बच्चा होता है उनका, वो सबको ये खा जाएगा। अच्छा अच्छा, तो इसको पालने से तालाब में इसे बताते हैं बेनिफिट क्या क्या बेनिफिट होता है? तालाब में बेनिफिट यही होता है कि जैसे मैं ये लोग पानी में चलता है लोग, तो जो मछली होती है इन लोगों को देख करके और डर करके भागती है तो अच्छा, उसके कारण उनका जो वेट है अच्छा, तो उसमें वृद्धि होने लगता है। अच्छा, जैसे भागेगी तो उसको भूख ज्यादा लगेगा, भूख ज्यादा लगेगा तो डाइट लेगी, खाना खाएंगी तो उनका वृद्धि भी होगा, वृद्धि भी होगा। प्लस इनके मल से भी तालाब का कुछ हो, मतलब जैसे मैं इनका जो मल है वो जैसे पानी में जाएगा तो पानी एक तो साफ रहता है, उसके बाद मछली भी उससे ज्यादा मतलब खाती है तो अट्रैक्टिव होती है और खाती है तो बढ़ता है, इससे दो फायदा हो जाता है। और तालाब में घूमते रहेंगे तो ये पूरा मतलब पांकों को भी थोड़ा खाते हैं तो दाने का भी थोड़ा कम आता है, मतलब जैसे मैं पांक खाते नहीं है। अच्छा, जिसमें जो मिट्टी होता है ना अच्छा, उसको होता है ना उसमें कुछ ढूंढते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे जो भी इनका खाने वाला कीड़ा वाला हो, जो इसमें एक बोला था एक नेल होता है, नेल छोटा छोटा वाला, हां हां उसे ये लोग खाते हैं, उसे भी खाते हैं। अच्छा, ये बताइए इनको जब मतलब ये जैसे इनका जीवन काल खत्म हो जाता है, जैसे अंडा जब दे देते हैं 9-10 महीने, उसके बाद से इनको सेल कर दिया जाता है? हाँ, सेल कर उस समय है। भी ये क्या रेट में सेल हो जाती है? उस समय 200 रुपए 200 रुपए पर पीस के हिसाब से सेल हो जाता है। सेल हो जाता है। और ये शेड इनका बना हुआ है तो ये डेली का शेड्यूल होता है सुबह 9 बजे, मतलब कितने बजे आता है तालाब में? आप जब भी छोड़ दीजिए। अच्छा अच्छा, 9 बजे आप उसमें से छोड़ देते हैं शेड में से। अच्छा अच्छा, तो ये आएगा लोग अपना घूमेगा, लोग घूमेगा या कुछ भी खाएगा लोग जो खाने लायक होगा। उसके बाद शाम को 5 या 4 बजे अपने से अंदर चल जाता है। अंडा देने का इनका तालाब में भी अंडा देती है या शेड में ही? शेड में ही देती है। रात को देती है? रात को देती है। तालाब में अंडा नहीं देती है? तालाब में नहीं देगी। तालाब में देगी ही नहीं, रात को ही जाकर के वो अंडा वहीं पे देगी। तो आइए इनका सेट दिखा रहे हैं जहाँ पे ये रहते हैं बत्तख। जैसे कि ये सुबह हमें तो तालाब में चले जाते हैं और नाइट में अपने सेट में जाते हैं, तो आइए इनका सेट दिखा रहे हैं आपको। आइए दिखाते हैं कहाँ पे रहते हैं। और 300 बत्तखों का ये सेट है जो कि काफी जाली से बनाया गया है। अच्छा है, ये देखिए इनका शेड है काफी। क्या लेंथ है इस शेड का लगभग? कुछ क्या चीज लेंथ मतलब क्या इतना जगह कितना है लगभग? तो 50 फीट कुछ, 50 फीट लगभग इसका लंबाई है। चौड़ाई लगभग मेरे ख्याल से 8-10 फीट होगा। 10 फीट है? 10 फीट है, मतलब 50x10 आराम से। 10x50 का शेड देखिए, काफी शानदार है। मतलब जाली का ही खड़ा किया गया है और बाहर से जैसे कि लिफाफा लगा दिया गया है और ऊपर भी ये टीना जो होता है करकट उसी को लगाया गया है। अब देखिए इसमें एक बत्तख है अभी, तो नीचे जैसे कि नेव दिया गया है, इसके ऊपर दीवार भी खड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और काफ़ी 300 बत्तखों के लिए बढ़िया जगह है, एक अच्छा से फर्स्ट क्लास। इसमें आप से शुरू में 500 रहा है इसमें? हाँ। ये 500 बत्तखों का था, अच्छा इतना था, आधा था, जैसे इतना था तो 500 रहा है। इसमें फैली से रहता है, इसमें अभी भी 500 रह जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्लास था, दिक्कत हो रहा था इसे, उस समय छोटा भी था थोड़ा सा। हाँ हाँ, जगह चाहिए इनको। हाँ हाँ, तो बढ़िया है जगह, ठीक है, फर्स्ट क्लास है। देखिए कैसे अभी तालाब में सब बत्तख जो है अभी तैर रहे हैं और इसी में इनका पूरा दिन निकल जाता है। और जितना साइड साइड में आप देख रहे हैं गड्ढा गड्ढा हुआ है, जो ये सब भी अपने चोंच से मार करके उसमें से नेल या कीड़े निकाल करके ये खाते हैं। देखिए अभी साइड में सब लगे पड़े हैं, साइड से कैसे कटिंग कर रहे हैं अभी चोंच से अपने। देखिए पूरे तालाब में घूमे हैं और यहाँ से इनका जाली लगा गया है कि तालाब से अदर जगह ना आ जाए। देखिए कैसे देख करके भाग रहे हैं, देखिए फर्स्ट क्लास, काफ़ी शानदार नज़ारा है। देखिए बत्तख पालन एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। इससे दो बेनिफिट हो जाता है, एक तो आपका बत्तख तैयार होते हैं, प्लस इनकी वजह से आपका तालाब में मछलियाँ का भी ग्रोथ बहुत अच्छा होता है और इनके मल से भी जो तालाब होता है काफ़ी साफ रहता है। तो इससे आपका दो बेनिफिट भी हो जाता है, इनको देख करके मछलियाँ भागती है और उनको भागेगी तो उनको भूख लगेगा और भूख लगने के कारण
उनका ग्रोथ अच्छा होता है, जितना खाएगी उतना बढ़ेगी, और ये भी तैयार हो जाते हैं साथ साथ में। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और फार्मिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और पूछना चाहेंगे कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किस फार्मिंग रिलेटेड पे आपको चाहिए जरूर बताइएगा, और चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।